इंटरनेट आज के समय में ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। मानो बिना इसके हम सभी लोग रह ही नहीं सकते। हम सभी लोग इंटरनेट के आदि यानी एडिक्टेड हो चुके हैं। वेल, इंटरनेट जैसा हमें दिखाई देता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट की एक अलग दुनिया है, एक काली दुनिया है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पे हम जो कुछ भी सर्च करते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हमें दिखाया जाता है वो सिर्फ इंटरनेट का 4% पार्ट है, यानी 4% भाग है। तो अब आप सोचोगे कि ये 96% पार्ट इंटरनेट की दुनिया में क्या है जिसके बारे में हम सभी लोग नहीं जानते। ऐसा क्या है 96% पार्ट में जो हमें इंटरनेट की दुनिया में नहीं दिखाया जाता? वेल, अगर आपको जानना है इंटरनेट की काली दुनिया के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में, तो ऐसे में इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना होगा। हे गाइस, मेरा नाम मनोसारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इंटरनेट एक ऐसा जाल है, एक ऐसा बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जिसके बारे में हम सभी लोग सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सरफेस वेब, फिर आता है डीप वेब और फिर आता है डार्क वेब। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं इन सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में, जिसके बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इंटरनेट की काली दुनिया कौन सी है और इसमें क्या क्या होता है। नंबर 1, सरफेस वेब। वेल, सरफेस वेब क्या है? बहुत ही आसान है। इंटरनेट पे हमें जो कुछ भी दिखाया जाता है, जो कुछ भी हम देखते हैं, ये सारा का सारा सरफेस वेब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने गूगल पे जाके कुछ सर्च करा, किसी टॉपिक के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी, तो आप सर्च करोगे, तो वहाँ पर आप किसी वेबसाइट को ओपन करोगे, तो उस वेबसाइट में आपको जो कुछ भी दिखाया जाता है, जो कुछ भी आप देख रहे हो, वो सारा का सारा सरफेस वेब कहलाता है। मतलब ये है कि गूगल सर्च इंजन में या फिर किसी भी सर्च इंजन में जो कुछ भी फाइल्स या फिर कह लो वेब पेज है, वो इंडेक्स होती है, वो सारा का सारा सरफेस वेब कहलाता है। मतलब इंटरनेट की दुनिया में जो कुछ भी ऑनलाइन अवेलेबल है पब्लिकली हर किसी के लिए, वो सारा का सारा डेटा बेसिकली सरफेस वेब कहलाता है। मतलब ये कि इंटरनेट की दुनिया में जितनी भी वेबसाइट है, उनका जो भी ऑनर है, उनका जो भी मालिक है, वो हमें जो कुछ भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पब्लिकली, जिसे एक्सेस करने के लिए हमें किसी भी तरह के परमिशन यानी आज्ञा की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन हम इंटरनेट की दुनिया में कहीं से भी, किसी भी जगह से, किसी भी डिवाइस से आसानी से देख सकते हैं वो सारा का सारा जो भी डेटा होता है, वो बेसिकली सरफेस वेब कहलाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इंटरनेट की दुनिया में सिर्फ 4% पार्ट यानी 4% भाग की जो है वो सरफेस वेब है, बाकी जो 96% पार्ट है वो डीप वेब और डार्क वेब है। सरफेस वेब के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है डीप वेब। अब ये डीप वेब क्या होता है? वेल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंटरनेट की दुनिया में आपको जो कुछ भी दिखाया जाता है, जो कुछ भी आप देखते हैं, वो सारा का सारा सरफेस वेब कहलाता है। इसी का जस्ट उल्टा है डीप वेब। मतलब इंटरनेट की दुनिया में आपसे जो कुछ भी छुपाया जाता है, आपको जो कुछ भी नहीं दिखाया जाता, जो कुछ भी गूगल सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होता, वो सारा का सारा पार्ट डीप वेब कहलाता है। तो यहाँ पर आपको डीप वेब को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक URL, एक स्पेसिफिक एड्रेस होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास लॉगिन और ID पासवर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप उस फाइल को, स्पेसिफिक फाइल को, जिसे भी आप एक्सेस करना चाहते हो उसे एक्सेस कर सकते हो। ये फाइल किसी भी तरह के सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होती। मतलब आप किसी भी सर्च इंजन, चाहे वो गूगल हो, बिंग हो, याहू में, इस तरह की फाइल को अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो फाइल होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए ये जो फाइल इंडेक्स नहीं होती। तो यहां पर इसे एक्सेस करने के लिए आपके पास ID पासवर्ड और URL होना बहुत ही जरूरी है। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़े से आप, तो चलिए इसे एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए फेसबुक है। अब फेसबुक पे आप अपना ईमेल ID और पासवर्ड डाल के एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो वहां पर आप फोटोज को शेयर करते हो, तो आप फोटोज क्या करते हो, पब्लिक कर देते हो, ठीक है? तो जो कुछ भी आप पब्लिक करते हो तो वो हर कोई देख सकता है, किसी भी ID से, किसी भी गूगल सर्च इंजन में भी वो शो कर सकता है। तो यहां पर ये जो सारा डेटा है वो सरफेस वेब कहलाता है। मतलब आपने पब्लिकली कर दिया, कोई भी उसे देख सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपने कुछ फोटोज को सेव करके रखा है, जिसे आपने प्राइवेट कर रखा है, तो उसे देखने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फेसबुक का ईमेल ID और पासवर्ड होना, यानी लॉगिन ईमेल ID पासवर्ड होना जरूरी है, तभी आप उसे एक्सेस कर सकते हो ना। तो इस तरह की फाइल, जैसे ईमेल ID पासवर्ड हो गया, ये सारा का सारा जो फाइल होता है वो एक सेंसिटिव डेटा होता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, तो ये सारा का सारा गूगल सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होता। तो इस तरह के जो भी फाइल
डिटेल डेटा हो गए, इन्हें हम बेसिकली डीप वेब कहते हैं। मतलब ये कि इंटरनेट की दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन को, कुछ ऐसे फाइल्स को, कुछ ऐसे सेंसिटिव डेटा को हम इंटरनेट की दुनिया में सेव करके यानी स्टोर करके तो रखना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उस फाइल को, उस डेटा को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आईडी, पासवर्ड और भी कई सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हो कि किसी दूसरे के हाथ में ना लगे, आप चाहते हो कि सिर्फ उसे एक URL और लॉगिन आईडी पासवर्ड से ही एक्सेस कर सके दुनिया में कहीं पे भी। तो इस तरह के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारा का सारा जो पार्ट होता है वो बेसिकली डीप वेब में आता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये डीप वेब क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बाद इंटरनेट की एक अलग ही दुनिया है जो कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयंकर है, जो कि है डार्क वेब, इंटरनेट की काली दुनिया। जी हाँ, जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही लग रहा है, डार्क वेब यानी काला, एक काला वेब जहां पर सिर्फ गैर कानूनी इलीगल काम ही होते हैं। वेल, डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा पार्ट है जो कि पूरी तरह से इलीगल है, गैर कानूनी है। इसमें जो कुछ भी आपको दिखाया जाता है, जो कुछ भी यहां पर कराया जाता है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी डेटा आपको यहां पर मिलेगा वो सारा का सारा इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा। इसे एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत होती है जिसे हम टोर ब्राउजर कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैं आपको जो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो एक एजुकेशन के तौर पर ही ले, कभी भी गलती से भी डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश ना करें, ये इलीगल है, कहीं आप लफड़े में ना फंस जाओ। तो इसे एक एजुकेशन की तरह ही ले। अब सवाल उठता है कि भैया ऐसा क्या काम होता है डार्क वेब में जो ये पूरी तरह से इलीगल है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी इलीगल काम, जैसे कि ड्रग्स हो गया, कुकिंग हो गया, बेचना, ऑनलाइन सेल करना, हथियार, जैसे कि आपको कोई गन खरीदना हो या फिर गन बेचना हो या फिर किसी का मर्डर करवाना हो, शूटर हायर करना हो, तो यहाँ पर जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं, इलीगल काम होते हैं, वो सारा का सारा इस डार्क वेब के अंदर होता है। तो यहाँ पर जितने भी पैसों का लेन देन होता है वो बिटकॉइन के थ्रू ही होता है। तो बिटकॉइन के थ्रू यहाँ पर पैसों का लेन देन किया जाता है, किसी को हथियार खरीदने हैं, किसी को हथियार बेचने हैं, या फिर किसी को कुकिंग खरीदना है, बेचना है, तो सारा यहाँ पर जो इलीगल काम होता है वो सारा का सारा इस डार्क वेब के अंदर होता है। तो इससे जितना आप दूर रहोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, बस इंफॉर्मेशन के लिए रखो, ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो आई होप दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि ये सरफेस वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है और डार्क वेब क्या होता है। तो जो डार्क वेब है वो इंटरनेट की दुनिया का जो काला पार्ट है, सबसे खतरनाक पार्ट है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को कहा जाता है कि इससे जितना दूर रहे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं इसी तरह के तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।